आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, जनतंत्र की जीत हुई, दिल्ली की जनता की जीत हुई, देश की जनता की जीत हुई। जो गलत तरीके से एलजी साहब और बीजेपी वाले हारने के बावजूद भी जोर जबरदस्ती करके असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से बीजेपी का मेयर बनाने की कोशिष कर रहे थे, उस षड्यंत्र को एक तरह से नाकाम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजा है कि 22 फरवरी को मेयर के चुनाव कराए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जल्द ही चुनाव होंगे और जल्द ही दिल्ली को उनकी मर्जी का, जो उन्होंने वोट डाले थे, जो मैंडेट दिया था, उसके हिसाब से मेयर मिलेगा। लेकिन आज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ मुद्दा, वो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ, उस केस के पहले की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस केस को असंवैधानिक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की किस तरह से एलजी साहब ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सच्चाई नहीं बताई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने के लिए एलजी साहब ने पूरी कोशिश की। शैली ओबेरॉय जो हमारी मेयर कैंडिडेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उस केस में उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को अलग अलग पार्टी बनाया, क्योंकि दोनों के व्यूज़ अलग अलग थे। एलजी साहब ने कुछ कदम उठाए थे जो दिल्ली सरकार के मुताबिक असंवैधानिक थे, गैरकानूनी थे, तो शैली ओबेरॉय ने दिल्ली सरकार को, एलजी को अलग अलग पार्टी बनाया। दिल्ली सरकार ने यूडी सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में गौतम नारायण को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार की अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वकील बना सकती है। एलजी साहब ने 9 फरवरी की रात को, मुझे लग गया याद है कि अगले दिन केस था, 9 फरवरी की रात को यूडी सेक्रेटरी को ये आदेश जारी किया। इसकी कॉपी हम लोगों ने आपको भेज दी है। इसका सेकंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज डिजायर्ड दैट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शेल डिफेंड दिस पिटिशन। उन्होंने कहा एलजी साहब ने कि पहली चीज आप मेरा वकील ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। श्री तुषार मेहता एलजी साहब के वकील थे। दिल्ली सरकार के अफसर को आदेश दिया गया कि तुषार मेहता को ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। तेरा वकील भी मेरा वकील। मतलब ये तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि दो अपोजिंग पार्टियां, दोनों अपोजिंग पार्टी का वकील एक ही होगा। तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील। तुषार मेहता दिल्ली सरकार का वकील और तुषार मेहता जो है वो एलजी का भी वकील। फिर इसमें लिखा है कि दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल डिफेंड दिस पिटीशन। एलजी साहब उसको कह रहे हैं, अफसर को, कि जितने गलत काम मैंने किया आपको सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करना है। आपको सच्चाई नहीं बतानी, आपको देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे सारे गलत कामों को डिफेंड करना है। एक या दूसरा आदेश, यू शुड एंगेज द सर्विसेज ऑफ श्री तुषार मेहता। मेरा वकील तुषार मेहता है, तुम भी तुषार मेहता को करो, तुम अपना वकील गौतम नारायण को मत करो। और तीसरा कहते हैं काउंटर एफिडेविट हैज बीन फाइल, कि तुम वहां क्या बोलोगे ये भी मैं तय करूंगा। तुम्हारा वकील ऑपोजिट पार्ट, दो पार्टियां कोर्ट में हैं, एक पार्टी अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी, अपने पद का दुरुपयोग करके दूसरी पार्टी को कहती है कि तेरा वकील भी मैं तय करूंगा, तेरी सबमिशंस भी मैं तय करूंगा और तू मेरे पक्ष में बोलेगा। ये तो इन्होंने, ये क्या है? तो ये दो डायरेक्शन जब उस अफसर के पास गई, उस अफसर को दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया जी ने डायरेक्शन दी कि आप गौतम नारायण को कीजिए, एलजी साहब ने डायरेक्शन दी कि आप तुषार मेहता को कीजिए। वो बेचारा अफसर आप सोच सकते हैं क्या करता, उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने तुषार मेहता जी के पक्ष में अपना वकालतनामा दी। दिल्ली सरकार के
का वकालतनामा भी तुषार मेहता जी के पक्ष में दे दिया। क्यों दिया? उस अफसर के पास दो ऑर्डर थे, एक दिल्ली सरकार के मंत्री का ऑर्डर था जिसके अंडर में वो काम करता है, उसका एलजी से कोई लेना देना नहीं है उस अफसर का, और एक एलजी का ऑर्डर था। एलजी कह रहे हैं तुषार मेहता को वकील लगाओ, ये अफसर, ये मंत्री जी कह रहे हैं, उसके अपने मंत्री जी कह रहे हैं कि गौतम, उसने तुषार मेहता के वकालत के पक्ष में वकालतनामा दे दिया। तो तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पार्टियों की तरफ से खड़े थे, दिल्ली सरकार की तरफ से भी खड़े थे और एलजी साहब की तरफ से भी खड़े थे। जाहिर तौर पे अफसर के यहाँ पे बंदूक रख के उसको धमकी दे के तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तेरे को ट्रांसफ़र कर देंगे, तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, उससे ज़बरदस्ती करके और वो वकालतनामा दिलवाया गया। एलजी ने ऐसा क्यों किया? एलजी ने ऐसा इसलिए किया, एलजी साहब जानते थे कि उन्होंने जितने काम किए हैं वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पोल खुल गई तो एलजी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए उन्होंने गुंडागर्दी करके अपना पद का दुरुपयोग करके उन्होंने दोनों पक्षों का वकील एक करवाया, दोनों पक्षों का काउंटर एफिडेविट एक करवाया। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में सच को छुपाने के लिए एलजी साहब ने यह सारा षड्यंत्र रचा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जो क्रिटिकल गवाह है उसको कोर्ट में पेश होने से रोकने के लिए कभी उसको किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसके परिवार वालों को किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसको हत्या कर दी जाती है जो क्रिटिकल विटनेस होता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये क्राइम है। एलजी साहब ने जो किया वो वही काम किया कि एक पार्टी के सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने से रोकने के लिए उन्होंने अपना ये सारा षड्यंत्र रचा। ये मैंने कई वकीलों से सुबह से बात की है, दिस अमाउंट्स टू एलजीज एक्शन अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एलजी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज कमिटेड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैंने आज एलजी साहब को ये चिट्ठी भी लिखी है, आप लोगों को उस चिट्ठी की कॉपी भी दे दी है, और मेरी एलजी साहब से अपील है कि इस तरह से गुंडागर्दी करके दिल्ली को चलाने की कोशिश मत कीजिए, दिल्ली के कामों में, चुनी हुई सरकार के काम में इस तरह से गुंडागर्दी करके दखलंदाजी मत कीजिए। वो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है न्याय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है एक फादर फिगर की तरह कि सारी पार्टियों का पक्ष सच्चाई के साथ रखा जाए, फिर जो भी कोर्ट निर्णय ले। लेकिन उन्होंने उसको करने से रोका, यह तो अच्छा हुआ। जो मुद्दे थे दिल्ली सरकार से, सुप्रीम कोर्ट को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को 5 मिनट के अंदर मुद्दा समझ में आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट बाई चांस कल ये पूछता कि दिल्ली सरकार का वकील कौन है, दिल्ली सरकार हमें ये बताए, तो दो लोग खड़े होते, एक तुषार मेहता खड़ा होता जिसके पास अफसर का वकालतनामा था, और एक गौतम नारायण खड़ा होता जिसके पास मनीष सिसोदिया का वकालतनामा था। ये क्या है, एलजी साहब कर क्या रहे हैं? अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। वो था शैली ओबराय, शैली ओबराय ने दो लोगों को पार्टी बनाई, एक दिल्ली सरकार को और एक एलजी को। उन्हीं मुद्दों पे एलजी के अलग वो थे, दिल्ली सरकार के अलग थे, तो दो अलग वकील होने चाहिए थे। तो मान लीजिए कोर्ट एक मुद्दे पे पूछता, दिल्ली सरकार आपको क्या कहना है, एलजी साहब आपको क्या कहना है, कोर्ट को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। कल आपने देखा कि 5 मिनट के अंदर जज साहब को पूरा मुद्दा समझ आ गया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर कर दिया। नहीं करेंगे, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अंत में सच्चाई की जीत होगी, अंत में जनतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। संविधान को कुचल रहे हैं एलजी साहब, एक बार नहीं कई मौकों पे कह चुके हैं, मैं संविधान को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानता। ऐसे एलजी के साथ कैसे दिल्ली चल सकती है, कैसे देश चल सकता है? बिल्कुल मिलना चाहिए, जब हमारे पास नंबर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं, और नंबर्स भी एक दो नहीं, लगभग 30-40 से भी ज़्यादा हमारी मेजॉरिटी है, उनसे ज़्यादा है। मैंने उनसे यही कहा है कि आपके जैसे आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इस तरह की हरकतें करना आपको शोभा नहीं देता। मुझे पहली चीज तो शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में
सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। मनीष जी कल जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और अंत में सच की जीत होगी। थैंक यू। तो इस वक्त ये बड़े अपडेट आपको दे दें कि हमारे पास बहुमत है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, और उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। उन्होंने ये भी बताया साथ में कि सुप्रीम कोर्ट में पोल खुलने के डर रहे थे एलजी, अंत में सच्चाई की जीत होगी, केजरीवाल ने ये बात कही है। दरअसल मेयर के चुनाव को लेकर, उपमेयर के चुनाव को लेकर जो विवाद बढ़ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, और इस बात को एक बार फिर से साफ करते हुए अरविंद केजरीवाल कि हमारे पास बहुमत है और जो कानूनी प्रक्रिया है संविधान के तहत, उसी के बिना पर हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे, और हम जानते हैं कि सच्चाई की जीत होगी, और इसी से डर रहे हैं एलजी।